तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद अब बांग्लादेश की टीम भारत के लिए दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आयोजन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए दोनों टीमों के लिए और खासकर भारत के लिए यह मुकाबले काफी महत्वपूर्ण होंगे। भारतीय टीम को दो मुकाबले बांग्लादेश के खिलाफ खेलने हैं। इसके अलावा टीम इंडिया आगामी चार मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपने घर पर खेलेगी। ऐसे में भारतीय टीम को पांच मैच जीतने होंगे, तभी भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में अपनी जगह बना पाएगी। बहरहाल ओडीआई सीरीज हाल ही में खत्म हुई है, जब बांग्लादेश की टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। पहला मुकाबला दूसरा मुकाबला जीत करके बांग्लादेश ने सीरीज अपने कब्जे में जमाई और इसके बाद तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल करने के साथ ओडीआई सीरीज में अपना सम्मान बनाए रखा। रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद केएल राहुल भारतीय टीम के लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और बात करें अगर टेस्ट टीम की, तो टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए उतरेगी। पिच और टॉस की बात करें तो चटगांव के मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा। पिच की बात करें तो यह पिच बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। तीसरा मुकाबला जब खेला गया तब देखने को मिला कि लगातार यहां रन बनते हुए नजर आए थे, तो ऐसे में दोनों कप्तान चाहेंगे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया जाए। इसके अलावा संभावित प्लेइंग 11 की ओर नजर डालें तो भारतीय टीम के लिए कप्तान केएल राहुल के साथ शुभमन गिल पारी का आगाज कर सकते हैं। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज शामिल हो सकते हैं। वहीं बात करें अगर बांग्लादेश के संभावित प्लेइंग 11 की, तो बांग्लादेश कप्तान शकीब अल हसन के साथ लटन दास, अनामुल हक, नजमुल हुसैन, मुस्फिकुर रहीम, महमदुल्ला, आफिफ हुसैन, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, इबादत हुसैन के साथ उतर सकती है। भारतीय टीम के लिए सभी की नज़रें कप्तान केएल राहुल के साथ चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली पर होंगी। इसके अलावा गेंदबाजी में उमेश यादव, मोहम्मद सिराज क्या कुछ करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं बात करें अगर बांग्लादेश की, तो कप्तान शकीब अल हसन के साथ मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिकुर रहीम, मेहदी हसन जैसे गेंदबाज क्या कुछ कमाल करने में कामयाब रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा पिच की बात करें तो मैदान पर स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। ऐसे में दोनों कप्तान गेंदबाजी का ही निर्णय करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आपकी राय है इस मुकाबले को लेकर? आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।